वक्त के साथ न्यू जनरेशन पहले से ज्यादा फाइनेंशियली अवेयर और फाइनेंशियली लिटरेट होती जा रही है, और साथ ही इस बात से भी वाकिफ होती जा रही है कि जिंदगी भर बुढ़ापे तक मेहनत करके भी एक मीडियोकर लाइफ जीना लाइफ को जीने का सही तरीका नहीं है। इसीलिए अब की जनरेशन का ज्यादा फोकस अर्ली रिटायरमेंट, पैसिव इनकम और फाइनेंशियल फ्रीडम में है। तभी स्टॉक्स एंड शेयर्स में इन्वेस्ट करने में लोग ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम अधिकतर लोगों को आती है वो ये है कि कौन से स्टॉक्स पिक किए जाएं, क्योंकि क्वालिटी स्टॉक्स को सस्ते से सस्ते रेट्स पर बाय करना ही इन्वेस्टिंग का रियल चैलेंज है, जिसके लिए ऑथर डेविड सोलियोमी अपनी बुक द फाल्कन मेथड में हमें एक ऐसा इन्वेस्टमेंट मेथड सिखाते हैं जो वैल्यू इन्वेस्टिंग, कॉमन सेंस और बेसिक डिसिप्लिन के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, जिसका अल्टीमेट गोल है कि आप ऐसे स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बिल्ड करो जिससे आप रिटर्न्स के साथ ही अपनी पैसिव इनकम भी जनरेट कर पाओ। दोस्तों, असल में फाल्कन एक पक्षी का नाम है जो शिकार करने में माहिर होता है, और उसी पक्षी की तरह ये मेथड भी काम करता है, क्योंकि ऑथर डेविड सोलियोमी ने अपनी अर्ली एज में ही काफी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स देखने के बाद ही ये डिसाइड कर लिया था कि वो इस रैट रेस में नहीं फंसेंगे। इसलिए उन्होंने कई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बुक्स पढ़ी और 24 की एज में अपनी पहली कंपनी बिल्ड करके सेल कर दी, और उसके बाद भी उन्होंने कई डिफरेंट फील्ड्स में कंपनीज बिल्ड करी और उन्हें सेल करा, जिससे उन्हें कंपनीज की काफी इनसाइड नॉलेज मिली जिसके बारे में नॉर्मल इन्वेस्टर कभी जान नहीं पाते, जिस नॉलेज की वजह से ऑथर को एक बेटर इन्वेस्टर बनने में बहुत मदद मिली, और फिर वो 33 की एज में ही फाइनेंशियली फ्री हो गए। जो अगर आप भी करना चाहते हो और स्टॉक इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म के लिए पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। सो नंबर 1, द ब्लैक बॉक्स। जब भी आप किसी में इन्वेस्ट करें, ऑथर कहते हैं कि आपको उस कंपनी को एक ब्लैक बॉक्स की तरह ट्रीट करना चाहिए, जहां दो तरह के पाइप्स लगे हुए हैं। कुछ है इनपुट पाइप्स, जहां से कंपनी की सारी रेवेन्यू स्ट्रीम अटैच्ड होती है, जहां से कंपनी के पास पैसा आता है अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल करके, बैंक से लोन लेकर या इक्विटी शेयर्स के रूप में, जहां पब्लिक कंपनी के शेयर्स बाय करके उन्हें पैसा देती है। वहीं आउटपुट पाइप से कंपनी के सारे एक्सपेंसेस फ्लो होते हैं, कंपनी को मेंटेन करने की कॉस्ट, एम्प्लॉयज की सैलरी, प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट एक्सेट्रा। बट ऑथर कहते हैं कि आपको एक आउटपुट पाइप पर फोकस करना है जो है प्रॉफिट, क्योंकि कंपनी की वर्किंग को पूरी तरह समझ जाने के बाद भी आपको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है, जिसे आप इन तीन फैक्टर से समझ सकते हो कि एक कंपनी कैसे अपने प्रॉफिट्स को यूटिलाइज कर रही है। पेमेंट टू शेयर होल्डर्स, कंपनी की रिटर्न इन्वेस्टमेंट रेशियो कितना स्ट्रांग है, जिससे आप ये डिटरमाइन कर सकते हो कि इस कंपनी से आपको पर शेयर कितना ROI मिल सकता है। शेयर बायबैक्स का मतलब कंपनी खुद के स्टॉक्स बाय करके पब्लिकली अवेलेबल शेयर्स को कितना लिमिट कर देती है, और ऐसा करने से कंपनी को कितना प्रॉफिट या लॉस होता है। रिटेन्ड अर्निंग्स, ये वो अर्निंग होती है जो कंपनी अपने फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए कंपनी के कैपिटल फंड में सेव कर लेती है। द क्वालिटी क्राइटेरियन, द फाल्कन मेथड में ऑथर कहते हैं कि आपको सिर्फ उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो बहुत लंबे टाइम से मार्केट में एस्टेब्लिश्ड हैं और इंडस्ट्री लीडर्स हैं। आपको सभी फील्ड में से कुछ टॉप कंपनी चूज करनी है जो लास्ट 20 ईयर से कंसिस्टेंटली हाई रिटर्न्स प्रोड्यूस कर रही हैं, क्योंकि मीडियोकर कंपनीज आपको शॉर्ट टर्म में हाई रिटर्न्स दे सकती हैं। बट अगर आप पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो तो आपको लॉन्ग टर्म विजन के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपको कंसिस्टेंटली इनकम जनरेट करके दे सके। ऑथर कहते हैं कंपनी की लॉन्ग टर्म हिस्ट्री देखने के बाद आपको बहुत क्लियर आइडिया मिल जाता है, क्योंकि 20 इयर्स के पीरियड में एटलीस्ट एक रिसेशन तो आता ही है, और अगर कंपनी उस एक रिसेशन को बीट करके अपने रिटर्न्स को मेंटेन करके ग्रो कर रही है तो वो कंपनी आपके लिए पैसिव इनकम जनरेट करने का पोटेंशियल रखती है। इंडियन मार्केट के हिसाब से ऐसी पोटेंशियल कंपनीज की लिस्ट में एशियन पेंट्स, टाटा, MRF और रिलायंस जैसी कंपनी शामिल है। यानी कि हमारा उस कंपनी की हिस्ट्री को ट्रैक करना जरूरी है, और इवेंचुअली हर किसी के पोर्टफोलियो में स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, FDs वगैरह ऐड होते हैं, तो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंसेस को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग एक्सेल शीट्स यूज करते हैं। पर एक ऐप है जो ऑटोमेटिकली आपके लिए ये सब कर सकता है, जो कि है IND मनी ऐप। इसकी मदद से आप अपने सारे लोन्स, एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स लाइक स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, FDs, बॉन्ड्स एक्सेट्रा सभी को एक ही जगह पर ट्रैक कर सकते हैं। IND मनी ऐप में आप अपने फाइनेंशियल गोल्स भी सेट कर सकते हैं, और ये ऐप आपको इन्हें अचीव करने में हेल्प करेगा। डेली एडवाइजरी और आपकी इन्वेस्टमेंट्स की डेली परफॉर्मेंस के साथ साथ ही अगर आप US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो या करना चाहते हो तो IND मनी जीरो कमीशन और जीरो ब्रोकरेज फीस के साथ US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की फ्रीडम भी देता है, जो कि पर्सनली हमारे फेवरेट फीचर्स में से एक है। और दोस्तों, IND मनी एक बिल्कुल सेफ ISO सर्टिफाइड ऐप है, जिसे गूगल के सिक्योरिटी असेसमेंट प्लेटफॉर्म बिशप फॉक्स ने भी सर्टिफाई किया है। ओवरऑल कहा जाए तो IND मनी एक सुपर मनी ऐप है जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसे भी डाउनलोड करके चेकआउट जरूर करें। और हाँ, हमेशा कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अच्छे से रिसर्च करने के बाद और सोच समझ के ही करें। द वैल्यू क्राइटेरियन, हर कोई यही चाहता है कि उन्हें सारी हाई क्वालिटी की चीजें कम से कम प्राइस पर मिले। बट लोग स्टॉक्स खरीदते टाइम बार्गेन नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उस स्टॉक की रियल वैल्यू क्या है। बिलियनेयर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं
चाहे स्टॉक्स अप हो या मार्केट डाउन, मैं हमेशा क्वालिटी मर्चेंडाइजेस सस्ते में खरीदना पसंद करता हूँ। स्टॉक्स को चीप प्राइसेस पे बाय करने से लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न्स बूस्ट हो जाते हैं। बट ये जानने के लिए कि स्टॉक की एक्चुअल प्राइस क्या है, आपको कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, जिसे चेक करने के लिए आप कुछ इंडिकेटर्स जैसे प्राइस टू अर्निंग रेशियो और प्राइस टू कैश फ्लो का यूज कर सकते हो, जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि वो कंपनी कितने प्रॉफिट या लॉस में है, कंपनी ने अपने कैश फ्लो को कैसे मेंटेन करा हुआ है और पर स्टॉक उस कंपनी की क्या वैल्यू है और मार्केट के अकॉर्डिंग वो कितना चीप या ओवर प्राइस्ड है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब मार्केट डाउन हो तो आपको अपनी टॉप सिलेक्टेड कंपनीज के शेयर्स को बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि उस टाइम आप ये मान लो कि स्टॉक मार्केट में शेयर प्राइसेस सेल पर मिल रहे होते हैं, जिससे आप स्टॉक्स को उसके एक्चुअल प्राइस से कम डिस्काउंट में बाय कर सकते हो, जो आपके फ्यूचर रिटर्न्स में बहुत फायदा देता है। द थ्रेशहोल्ड क्राइटेरियन, आप चाहते हो कि आपके इन्वेस्ट करे हुए हर एक रुपए का आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके, इसलिए स्टॉक प्राइस बाय करते टाइम आपको स्टॉक्स के फ्री कैश फ्लो द कंपनी प्रोड्यूसर्स पर शेयर को कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, यानी कि कंपनी अपने पर शेयर पर कितना इनकम जनरेट करती है, जिसे FCF यील्ड कहते हैं। साथ ही आपको ये चेक करना चाहिए कि डिविडेंड्स और बायबैक्स के थ्रू शेयर होल्डर्स को कितने रिटर्न्स मिलते हैं, जिसे शेयर होल्डर यील्ड कहते हैं, और साथ ही उस कंपनी की डिविडेंड यील्ड का भी आपको पता होना जरूरी है। मतलब कोई भी स्टॉक अपने आज के प्राइस के हिसाब से आपको फ्यूचर में कितना डिविडेंड दे सकता है। इन तीन क्राइटेरिया से आप ये पता लगा सकते हैं कि आप जिस स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो एक्चुअल में आपके पैसों की कितनी वर्थ रखता है। ऑथर कहते हैं इन तीन क्राइटेरिया का यूज करके आपको सिलेक्टेड कंपनीज को रैंक करना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन सी कंपनी आपको मैक्सिमम रिटर्न्स देने की कैपेबिलिटी रखती है और उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। क्वांटम इन्वेस्टिंग मॉडल वर्सेस द फैल्कन इन्वेस्टिंग मॉडल। ज्यादातर लोग अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए जनरली क्वांटम इन्वेस्टिंग मॉडल का यूज करते हैं। इस मॉडल में एक इन्वेस्टर कंपनी को अच्छे से स्टडी करता है, उसका बिजनेस मॉडल, रेपुटेशन, ग्रोथ, प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स, इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रख के कंपनीज की लिस्ट निकालते हैं जिसमें वो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और ऐसे लोग एटलीस्ट एक साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, जिसके बाद उन्हें काफी अच्छा रिटर्न मिलता है और वो अपने उन स्टॉक्स को सेल करके किसी दूसरी कंपनी में या अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके इसी सेम मॉडल का यूज करके इन्वेस्ट करते हैं और इस सेम प्रोसेस को हर साल रिपीट करते हैं। ऑथर कहते हैं कि इस मेथड में कोई बुराई नहीं है क्योंकि ये प्योरली डेटा पर बेस्ड है, आपके इमोशंस आपके इन्वेस्टिंग को अफेक्ट नहीं करते, पर इस मेथड में आप प्योरली रिटर्न्स पर फोकस करते हैं, जिस वजह से लोग ऐसी कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर देते हैं जिनके बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं होता और जिस वजह से कई बार इन्वेस्टर्स को भारी लॉस भी उठाना पड़ता है। इसी मिस्टेक से बचने के लिए ऑथर ने द फैल्कन मेथड बिल्ड करा, जो बिल्कुल फुल प्रूफ हाईली स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टिंग अप्रोच है, जो लॉन्ग टर्म में पैसिव इनकम बिल्ड करने की कैपेबिलिटी रखती है। यानी कि द फैल्कन मेथड में ऑथर बाय एंड होल्ड टेक्निक को यूज करना रेकमेंड करते हैं। आपको ऐसा पोर्टफोलियो बिल्ड करना है जिसे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकें, यानी कि जल्दी बाय एंड सेल नहीं करना। द फैल्कन मेथड में आप कभी किसी अनजान कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते और हर साल रिटर्न्स अर्न करके शेयर्स को सेल नहीं करते, बल्कि उन्हें लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके डिविडेंड्स और कंपाउंडिंग से अपनी पैसिव इनकम बिल्ड कर लेते हैं। बाय एंड होल्ड के बारे में ऑथर नेक्स्ट पॉइंट में और डिटेल से बताते हैं। यूज अ बाय एंड होल्ड स्टॉक पोर्टफोलियो। स्टॉक से पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए आपको बहुत पेशेंट रहना पड़ेगा। जब तक आपका पैसा कंपाउंडिंग के 8th वंडर को टच नहीं कर देता, आपको अपने स्टॉक्स होल्ड करके रखने हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बहुत हाई रेट से कंपाउंड होने लगता है, जहां आप अगर अपने इन्वेस्टमेंट से एक सर्टेन अमाउंट भी निकाल रहे हो तो भी आपकी बाकी की इन्वेस्टिंग आपको कंपाउंडिंग की वजह से हाई रिटर्न्स देती रहेगी और आपकी एक पैसिव इनकम स्ट्रीम भी जनरेट हो जाएगी। इसीलिए आपको मार्केट इमोशन से दूर होकर अपने स्टॉक्स को लॉस के डर से कभी सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपके लॉस होने के चांसेस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हैं। आपको हमेशा अपने स्टॉक्स को होल्ड करके रखना चाहिए और कंपाउंडिंग को अपना मैजिक दिखाने का वेट करना चाहिए। When to sell? फैल्कन मेथड का एम तो यही है कि आपको स्टॉक्स बाय करके होल्ड करने हैं, बट कुछ रेयर केसेस ऐसे होते हैं जहां आपको अपने स्टॉक्स को सेल करने की नीड होती है। ऑथर कहते हैं कि आपको दो केसेस में अपनी होल्डिंग्स को सेल कर देना चाहिए, जब स्टॉक्स हाईली ओवरवैल्यूड हो जाए, यानी शेयर का प्राइस कंपनी की एक्चुअल वर्थ के हिसाब से बहुत ही ज्यादा हो जाए, ये एक साइन होता है कि कंपनी में एक फाइनेंशियल बबल क्रिएट हो रहा है। इस केस में आपको अपनी होल्डिंग्स को सेल कर देना चाहिए। दूसरे केस में जब कंपनी अपने डिविडेंड्स रिड्यूस कर दे, जो कि अल्टीमेटली आपके इन्वेस्टमेंट को नेगेटिवली अफेक्ट करता है, जिससे हमारे फैल्कन मेथड को यूज करने का मेथड ही वायलेट हो जाए, इस केस में हमें अपने शेयर्स को सेल कर देना चाहिए, क्योंकि जब हमने इस कंपनी को चूज करा था, हमने इसके डिविडेंड से रिलेटेड कई सारे फैक्टर्स को कैलकुलेट करके अपना डिसीजन लिया था, जो डिविडेंड कट के बाद वैलिड नहीं हो सकता,
क्योंकि हमारी सारी कैलकुलेशन खराब हो चुकी है। तो इस केस में भी आपको अपने शेयर्स को सेल कर देना चाहिए और फैल्कन मेथड फिर से अप्लाई करना चाहिए। और हाँ गाइस, आईएनडी मनी एक सुपर मनी ऐप है जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ चेंज कर सकता है। आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से अभी आईएनडी मनी डाउनलोड करिए और आज ही यूज करना शुरू कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।